अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और नवंबर का महीना है, थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही है। और मतलब मैं वैसे भी एक खुली जगह पे मौजूद हूँ, यहाँ मुझे ठंड लग रही है थोड़ी सी। तो बात यह है कि सर्दी के मौसम में मैंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ जो है वो गर्म मशरूबात ट्राई किए जाएँ। तो आजकल सोशल मीडिया पर जो है मड कॉफ़ी की बड़ी हाइप क्रिएट हुई हुई है। और ये मड कॉफ़ी जो है ये तुर्की से आई है सीधी, और टर्की में जो है वो इस तरह से कॉफ़ी बनाई जाती है, रेत के ऊपर जो है वो कॉफ़ी तैयार की जाती है। अच्छा, ये मैं आपको एरिया बता दूं, ये CSD है। ये CSD आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, ये बेसिकली एक सुपर स्टोर है कालापुल के पास, और इसके अहाते में बहुत सारे जो है यहाँ पर रेस्टोरेंट्स वाक़ हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के रेस्टोरेंट हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको बर्गर्स भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको बारबेक्यू भी मिलेगा, और यहीं पर जो है वो टर्किश मड कॉफ़ी का भी रेस्टोरेंट है। तो आज मैंने प्लान किया कि यार ठंड भी हो रही है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो थोड़ी सी कॉफ़ी हो जाए और सर्दी को भगाया जाए, क्योंकि थोड़ी सी ठंड हो रही है। तो मैंने सोचा कि आपको दिखाया जाए कि मड कॉफ़ी जो है वो किस तरह तैयार होती है और कैसी है कॉफ़ी, ताकि आप यहाँ आ सकें और इसको टेस्ट कर सकें। तो चलते हैं कॉफ़ी की तरफ। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि टर्किश मड कॉफ़ी किस तरह से तैयार की जाती है, और अगर आप ये कॉफ़ी पीना चाहें तो इसकी लोकेशन क्या है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप चारा फैसल से FTC का रास्ता लेते हुए काले पुल की जानब जाएंगे, तो वहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड पर CSD जो है सुपर स्टोर पड़ेगा, और उसके अहाते में बहुत सारी जो है यहाँ पर दुकानें मौजूद हैं जहाँ पर टर्किश मड कॉफ़ी का सेटअप जो है सुफियान ने लगाया हुआ है। सुफियान जो है वो उन्होंने अभी 15 दिन ही हुए हैं उनको यहाँ टर्किश मड कॉफ़ी का सेटअप किए हुए, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। और ये बेसिकली कॉफ़ी जो है वो रेत के ऊपर पकाई जाती है, और ये तुर्की का ट्रेडिशनल जो है तरीका है इस तरह से चाय या कॉफ़ी बनाने का। तो हम आपकी बात करवाते हैं सुफियान से, और जानते हैं सुफियान ही की ज़बानी कि ये आइडिया उनको कैसे आया, और बाकी भी तफसीलात जो है वो सुफियान आपको बताएंगे। बिलाल कांगिया, सुफियान, टर्किश मड कॉफ़ी जो हमने स्टार्ट किया है CSD सुपरमार्केट के अंदर, ये फूड स्ट्रीट है पूरी। हम कुछ पिछले विंटर से फॉलो अप कर रहे थे इसके ऊपर, चीज़ों के ऊपर, कि एक ये यूनिक एक तरीका है कॉफ़ी बनाने का जो ट्रेडिशनल तरीका है टर्की का। तो हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे, और बस इसके ऊपर जब वर्किंग करते रहे तो इस सीज़न हमने पूरा प्लान किया कि भाई इसको लॉन्च करना है, और माशाल्लाह हमारी टीम ने बहुत साथ दिया और हमने इसको लॉन्च किया माशाल्लाह। हमने सोचा नहीं था कि हमें शायद इतना अच्छा इसके ऊपर रिस्पॉन्स मिलेगा, और इतने कॉफ़ी लवर्स हैं कराची में, इतने लोग हैं जो कॉफ़ी को पसंद करते हैं। तो अगर हमें इस तरह का थोड़ा सा अंदाज़ा होता तो हम अपने सेटअप को थोड़ा सा बड़ा करते। हमने जो सेटअप किया था वो इस तरह का किया था कि डे के 50 कप्स 60 कप्स वो इसके लिए बहुत इजी था निकालना, लेकिन माशाल्लाह ओवरवेलमिंग रिस्पांस है जो हमारे पास है कॉफ़ी का। ये बस हमारा मिल्क जो होता है वो प्री हीटेड होता है, और यहाँ पे हम जो है उसको कॉफ़ी को पूरी इसकी जो मेकिंग है वो इन फ्रंट ऑफ कस्टमर ही हो रहा होता है, पूरी मेकिंग हम सामने कर रहे होते हैं, प्री कुक नहीं होती, मतलब ओनली हीटेड मिल्क होता है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। बेसिकली ये जो है मड कप्स हैं, और ये पंजाबी मट के बने हुए होते हैं, ये पंजाबी कप्स हैं ये वाले, और क्या नाम है, ये कप्स जो हैं एक लोगों के अंदर, एक आजकल आपने देखा है कि हाइजीन का बहुत ज़्यादा जो है फैक्टर लोगों के अंदर आ रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम जो एक पुराना तरीका है मिट्टी के बर्तनों में इस्तेमाल करना, मिट्टी के बर्तनों को यूज़ करना, तो हमने उनको यूज़ किया, उस चीज़ को हम लेकर आते हैं। टेस्ट में तो एक फ़र्क नहीं आता, लेकिन एक
पीने के अंदाज में एक फ़र्क आता है, एक उसकी एम्बियंस जो है वो आप कह लें कि बहुत इन्हेंस कर जाती है वो उसकी कप की वजह से। ऑलमोस्ट 5 फ्लेवरिंग हम ऑर्डर इसके अंदर दे रहे हैं कस्टमर्स को, जिसके अंदर आता है चॉकलेट कॉफ़ी, कैरमल कॉफ़ी, कार्डेमन कॉफ़ी और सिनेमन कॉफ़ी, और हमारी बेसिक प्लेन कॉफ़ी है। फिर सिग्नेचर्स के अंदर हमारे पास आता है कैपेचिनोस और क्रीमी चॉकलेट कॉफ़ी। स्टार्टिंग फ्रॉम 150 है हम लोग और एंडिंग हमारी हो रही है 240 पे, 240-250 ऑलमोस्ट। हमारी टाइमिंग है स्टार्टिंग फ्रॉम 6 और ऑनवर्ड्स हम जा रहे हैं 2 बजे तक की क्लोजिंग टाइम है, लेकिन इतने कस्टमर्स दूर दूर से आ रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि आप हमें थोड़ा सा प्लीज सर्व कर दें, बहुत दूर से हैं, तो हम 3-4 बज रहे होते हैं हमें क्लोज करते हैं। ऑनलाइन डिलीवरी हम कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट जो कंपनीज हैं डिलीवरी की उनसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, कुछ कोशिश करके इसको भी हम रनिंग में लेकर आए, लेकिन इस तरीके की सूरत हाल है कि जो वॉक इन कस्टमर है हम उन्हीं को सही से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं को हम जो है पूरा नहीं कर पा रहे, तो हम कह रहे हैं डिलीवरी थोड़ा सा रुक के स्टार्ट करेंगे। और यहाँ आकर मैं सजेस्ट ये करूँगा कि यहाँ आकर कॉफ़ी पिए ज़्यादा बेहतर है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, सिक्योर्ड है, पूरी पार्किंग आपको प्रॉपर मिल रही है, फैमिलीज के लिए जगह है, तो ये ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ आके कॉफ़ी एंजॉय करें इस मौसम के साथ। तो भाई मैंने अपनी कॉफ़ी ले ली है यहाँ पर और अब कॉफ़ी को ट्राई करने का वक्त है। डेफिनेटली लाइट का थोड़ा सा इशू होगा यहाँ पर क्योंकि SF खड़ा हुआ था, लेकिन और ये कैपेचिनो है, ये कॉफ़ी जो है ये मेरे कैमरामैन की है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं ज़रा शुगर फ्री पीने का आदी हूँ तो मैंने ज़रा शुगर फ्री ली है। थोड़ी सी सिप लेने के बाद जो है वो सर्दी का एहसास कम हो रहा है, मज़े की कॉफ़ी है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि यहाँ ज़रूर आएँ, बहुत सिक्योर इन्वायरमेंट है, आप ये देख सकते हैं कि इजीली यहाँ पर फैमिलीज़ जो है वो फैमिली सिटिंग हो रही है, बहुत बहुत अच्छा एरिया है, यहाँ पर फैमिलीज बैठी हुई हैं, गाड़ियों की पार्किंग मौजूद है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप आएँ यहाँ पर और मड कॉफ़ी, टर्किश मड कॉफ़ी जो है वो ज़रूर ट्राई करें। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।